देव साय के निर्देश के बाद सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के खिलाफ अभियान को तेज कर दिया है। सुकमा में पुलिस ने नक्सलियों पर कड़ा प्रहार किया, यह रिपोर्ट देखिए। सुकमा में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। जवानों ने नक्सलियों के कैंप पर धावा बोला। दोनों तरफ से हुई गोलीबारी में करीब 5 से 6 नक्सलियों के घायल होने की खबर है। जवानों ने नक्सलियों का कैंप ध्वस्त कर दिया और मौके से भारी मात्रा में सामान बरामद किया गया। थाना चिंतलनार के नागाराम हेमगुत्तापल्ली के आसपास के जंगलों में नक्सलियों के उपस्थिति की लगातार आसूचना आ रही थी, तो इसी आसूचना के आधार पर आदरणीय SP सर के मार्गदर्शन में कोबरा MDRG की संयुक्त टीम ऑपरेशन पर निकली थी। ऑपरेशन के दौरान जिस इलाके में नक्सलवादी मौजूद थे वहां पहुंचने पर नक्सल के संतरी के द्वारा जवानों के ऊपर फायरिंग की गई। जवानों ने जवाबी कार्रवाई की। दोनों तरफ से काफ़ी देर तक गोलीबारी हुई। 5 से 6 नक्सली घायल हुए होंगे। ऑपरेशन पश्चात DRG कोबरा की टीम सुरक्षित तरीके से कैंप की ओर रवाना हुई है। जिला सुकमा एवं दंतेवाड़ा के सीमावर्ती पूरे खिड़मे इलाका में आज पुलिस और नक्सल के बीच में मुठभेड़ हुई थी। मुठभेड़ के पश्चात अभी इलाके का सर्चिंग अभियान जारी है। जो प्राथमिक जानकारी मिला उसी अनुरूप कम से कम 3 से 4 माओवादी का गोली लगने की जानकारी प्राप्त हो रहा है। अभी सर्चिंग जारी, सर्चिंग के पश्चात और स्पष्ट जानकारी प्राप्त हो सकता है। नक्सलियों के खिलाफ हो रहे एक्शन को लेकर BJP ने कहा कि BJP की सरकार बनते ही नक्सलियों ने हमले तेज कर दिए हैं। कांग्रेस के जाने का असर नक्सलियों में साफ नजर आने लगा है। नक्सलियों ने जो अपने हमले तेज किए हैं ये स्पष्ट रूप से हमारे आरोप को सिद्ध करता है और ये भी सिद्ध होता है कि कांग्रेस की सरकार जाने के बाद नक्सलियों में बौखलाहट आ गई है। और आपने देखा कि पिछले 15 दिनों में कई घटनाएं, नक्सली घटनाएं इस प्रदेश के अंदर में हुई, उस पर कांग्रेस का जो स्टैंड 5 साल नहीं रहा। और वो दिन भी याद है जब कांग्रेस की सरकार 2018 में आई, नक्सली यह कहते हुए पाए गए थे कि हमारी सरकार आई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नक्सलियों के खिलाफ अभियान तेज करने के निर्देश के बाद बस्तर पुलिस ने नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन लॉन्च करने के लिए रणनीति बनाई। ADG ने नारायणपुर में पुलिस अफसरों की बैठक ली। उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि पड़ोसी जिलों की पुलिस के साथ संयुक्त रूप से नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन लॉन्च किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, News 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। डॉक्टर मोहन यादव, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अटकलें लग रही हैं। ऐसे में एक लोकसभा